मैसेल्फ राजेश शर्मा, आज हम एक गाड़ी के एसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, क्योंकि ऐसा है बहुत सी गाड़ी में कूलिंग कम हो जाती है। हमें उसका पता करना होगा भी हमारी गाड़ी में गैस कैसे पता करें इसमें कम है। ये हमारी ऑटो लाइन कंपनी की मशीन है गैस रिफिल करने वाली, इसके साथ हम किसी गाड़ी में गैस रिफिल करनी है हम गैस रिफिल कर सकते हैं। अगर हमें किसी गाड़ी में कम गैस है उसे कैसे चेक करना है, उसे चेक करने के लिए ये हमारे पास दो पाइप हैं, एक इसका हाई प्रेशर पाइप है, एक इसका वैक्यूम पाइप है। इस वैक्यूम पाइप के साथ पहले हम इसे सेक्शन पाइप के ऊपर लगाएंगे, जो गाड़ी का सेक्शन पाइप जहाँ से गैस डालते हैं हम। अब ये हमारी गेज 60-70 के करीब बता रही है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कहेंगे हमारी गाड़ी में गैस ज़्यादा है या नहीं है, इसे स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा हमारी गाड़ी में गैस कम है या ज़्यादा है। पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे, ये गाड़ी स्टार्ट होगी, एसी ऑन हो गया, ये देखिए अभी स्टार्ट हुई है। स्टार्ट होने के बाद इसकी जो वैक्यूम मीटर की नीडल है वो 20 के ऊपर आ गई। एक्सीलेटर देने के बाद ये नीडल आपकी 20 से 15 और 20 के बीच में चलनी चाहिए। अगर इससे भी नीचे जा रही है इसका मतलब हमारी गाड़ी में गैस कम है और उससे कूलिंग भी कम होगी। अब हम इसे एक्सीलेट करेंगे, ये इसके नीडल 10 से भी नीचे जा रही है, इससे हम जजमेंट लगा सकते हैं हमारी गाड़ी में गैस कम है। अगर यही नीडल 15 और 20 के ऊपर रहती तो हम कह सकते हैं हमारी गाड़ी में गैस पूरी है। अगर हमारी ये नीडल 0 के पास जाती है या 5 के पास जाती है इसका मतलब गाड़ी ना कूलिंग करेगी और गैस भी कम होगी। इसकी कूलिंग कम है क्योंकि इसकी नीडल 10 से भी नीचे जा रही है। अगर 20 के ऊपर रहती है हमारी गाड़ी की एक्सीलेटर देने के बाद उससे पता चल सकता है हमारी गाड़ी की कूलिंग बिल्कुल ठीक है। हम अब इसमें थोड़ी गैस डालेंगे, ये रिकवर मोड आ गया। रिकवर मोड करने के बाद ये वैक्यूम आ गया, जब हमने गाड़ी किसी को वैक्यूम करना गैस डालनी है। उसके बाद चार्जिंग अमाउंट आ गया, जैसे 440 ग्राम लिखा हुआ है इतनी गैस गाड़ी में डालते हैं। हमने गाड़ी में ओनली 80 ग्राम, ये 80 के ऊपर लगा दिया। जब हमने चेक किया तो गाड़ी में गैस थोड़ी सी कम थी, हम इसमें ओनली 80 ग्राम गैस डाल लेंगे। जब यहाँ पर हम सेटिंग कर लेंगे, सेटिंग करने के बाद हम इस वाल्व को खोल लेंगे, ओपन कर देंगे। ये हमारा वाल्व ओपन हो गया और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ये इसमें गैस जाने लगी। ये ओनली हमने इसमें 80 ग्राम गैस डाल ली है। 80 ग्राम गैस डालने के बाद हम देखेंगे हमारा एसी की क्या कंडीशन है। ये इसका वैक्यूम 40 के ऊपर चल रहा है तकरीबन, अभी गैस डाली है हमने, ये 30 के ऊपर आ जाएगा धीरे धीरे। एक्सीलेटर देंगे, ये देखते हैं कितना कम होता है। हमारी गाड़ी तकरीबन 2500 आरपीएम तक चल रही है। अगर 2500 आरपीएम के ऊपर जाने के 20 के ऊपर नीडल जाती है इसके लिए हमें अंदर बैठ के कूलिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं, इससे पता चलता है हमारी गाड़ी में गैस भी पूरी है और गाड़ी की कूलिंग भी ठीक है। थैंक यू।